आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई और जीरा राइस। तो चलिए दाल पहले बनाना शुरू करते हैं। गैस को हमने मीडियम आंच पे रखा है। एक कुकर लेंगे, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। आप इसके बदले ऑयल भी डाल सकते हैं। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे। घी गरम हो चुका है, अब गैस बिल्कुल सिम पे कर देंगे और इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। ये 2 तेज पत्ते लिए हैं, 1 मोटी इलायची थोड़ी क्रश कर ली थी, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 5 लौंग और 1 टीस्पून जीरा। अब इन्हें 1-2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। मसालों को हमने 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लिया है। बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। इस दाल में ये खड़े मसाले जरूर डालिए, इससे दाल का टेस्ट बढ़ जाता है और दाल भी एकदम खुशबूदार बनती है। ये 4 मैंने कटे हुए प्याज लिए हैं, ये लंबे प्याज काटे हैं बारीक बारीक, इसमें प्याज काफी सारा लगता है इस दाल में। अब गैस को मीडियम पे कर लेंगे और प्याज को अच्छे से 4-5 मिनट भूनेंगे। प्याज को हमने 4-5 मिनट अच्छे से भुना है। ये देखिए ब्राउन कलर इसका आ गया है। अब इसमें ये 2 हरी मिर्च डालेंगे साबुत और ये 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ये हमने हाथ से इसको कूट के डाला है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कूटने से। अब इसको भी 2-3 मिनट अच्छे से भुनेंगे। गैस बिल्कुल सिम पे कर देंगे क्योंकि अदरक नहीं तो चिपकेगा नीचे। लहसुन अदरक को भूनते भी 2-3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए अच्छे से भुना जा चुका है, खुशबू भी आनी शुरू हो गई। अब इसमें ये 3 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी नरम हो जाए। और अब इनको तब तक भूनना है जब तक टमाटर नरम नहीं हो जाते और मसाला घी नहीं छोड़ देता। हमने ये 1/4 टीस्पून नमक डाला है इसमें। गैस को लो मीडियम पे कर देंगे और इन्हें लगातार भूनेंगे। टमाटर नरम हो चुके हैं और मसाले ने घी भी छोड़ दिया। गैस बिल्कुल सिम पे कर देंगे और इसमें थोड़े सूखे मसाले डालेंगे। ये धनिया पाउडर है, ये 2 टीस्पून डालूंगी। हल्दी 1/2 टीस्पून, देगी लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून पहले डाला था, आधा आप डालूंगी, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस बिल्कुल धीमी कर देंगे नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अच्छे से स्टर करेंगे इसे। टमाटर और मसाला भूनते मसाला थोड़ा नीचे लग रहा था तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला, आप भी डाल सकते हैं जब मसाला नीचे लगने लगे तो। इसे भी 1 मिनट भूनेंगे मसाले डाल के। सूखे मसालों को भी 1-2 मिनट मैंने भून लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालूंगी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दाल में। इसे भी थोड़ा मिक्स कर देंगे। और ये मैंने चना दाल ली है, ये 1.5 कप चना दाल ली थी, इसे 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रखा था। ये देखिए दाल फूल भी गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। ये देखिए ये दाल इसमें डालेंगे और इसे भी 2-3 मिनट अच्छे से मसाले के साथ भून लेंगे। गैस को हमने लो मीडियम पे रखना है। मसाले और दाल को भी हमने 2-3 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब इसमें पानी डालेंगे, हमने 1.5 कप दाल ली थी, इसमें 6 कप पानी डालेंगे, उसी कप का माप रखना है। मिक्स करेंगे अच्छे से। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे ऊपर से, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हरे धनिया। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 7 से 8 सीटी आने देंगे। गैस को मीडियम पे कर देंगे। 7 सीटी आ चुकी हैं, अब गैस को बंद कर देंगे और जब कुकर का प्रेशर खत्म होगा तो इसे खोलेंगे। तब तक हम चावल बना लेते हैं। चावल बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे, गैस चलाएंगे,
गैस को लो मीडियम पे रखेंगे और इसमें 2 टीस्पून देसी घी डालेंगे। आप ऑयल भी डाल सकते हैं। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे। घी गर्म हो चुका है, गैस को सिम पे कर देंगे। इसमें 1.5 टीस्पून जीरा डालेंगे। इसमें जीरा थोड़ा ज्यादा डालेंगे क्योंकि ये जीरा राइस है। और साथ में एक ये क्रश की हुई मोटी इलायची। जीरे को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। गैस को बिल्कुल सिम पे कर देंगे और इसे स्टर करेंगे। जीरा और इलायची अच्छे से क्रैकल हो गए हैं। जीरे को कच्चा नहीं रखना, अच्छे से इसे क्रैकल करना है, तो ही चावल का टेस्ट अच्छा होगा। और मोटी इलायची का फ्लेवर चावल में बहुत अच्छा आता है। अब इसमें ये हमने 1 कप चावल लिए थे, उसे 10-15 मिनट भिगो के रखा, तो इसमें 2 कप पानी साथ में डालेंगे। ये चावल ऐड करेंगे इसमें। गैस को मीडियम हाई पे कर देंगे और साथ में ही 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें एक बॉयल आने देंगे। पानी में उबाल आ गया है। अब गैस बिल्कुल सिम पे कर देंगे और इसे ढक देंगे। और इसे तब तक पकाना है जब तक चावल का पूरा पानी सूख नहीं जाता। बीच बीच में चेक करते रहेंगे। चावल को पकते 15 मिनट हो चुके हैं। चेक करते हैं, ये देखिए इसका पूरा पानी सूख गया और कैसे खिले खिले चावल बने हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और गैस को बंद कर देंगे और इसे ऐसे ही ढक के 10 मिनट के लिए रखेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो भी सूख जाएगा। इसको एक साइड में रख देंगे। अब दाल को देखते हैं। कुकर का प्रेशर खत्म हो गया, अब इसे खोलेंगे। ये देखिए दाल भी हमारी नरम हो चुकी है। दाल को बिल्कुल मैश नहीं करना, ऐसे खड़ी खड़ी होनी चाहिए, बस ये नरम होनी चाहिए। ये देखो ये नरम हो चुकी है दाल। अब इसे थोड़ा और पकाएंगे 5-6 मिनट ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर पानी कम लगे तो इसमें गर्म पानी ही डालना है। हमने पहले से ही थोड़ा गर्म पानी पास में अपने रखा हुआ है, अगर जरूरत पड़ेगी तो डालेंगे। अब इसे फुल गैस पे अच्छे से पकाना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। दाल को हमने 5-7 मिनट और पकाया है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई। अब पानी अलग और दाल अलग नहीं लग रहा। गैस को अब बंद कर देंगे और इसके ऊपर थोड़ा हरा धनिया डालेंगे और अब इस पे दूसरा तड़का लगाएंगे। एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। इस तड़के से दाल का स्वाद और बढ़ जाता है। गैस चलाएंगे और गैस को बिल्कुल सिम पे करेंगे और घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो चुका है। अब इसमें 8-10 कलियां लहसुन की ऐसे पतली पतली काट के डालेंगे और लहसुन को धीमी आंच पे ही भूनना है, तो ही इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ में एक लाल मिर्च सूखी डाल देंगे और लगातार इसे स्टर करेंगे। ये दूसरे तड़के से दाल का बहुत अच्छा टेस्ट होता है। हमने लहसुन को बहुत ही धीमी गैस पे अच्छे से पेशेंस के साथ भूना है। इसे फुल या मीडियम गैस पे नहीं भूनना, ये तो लहसुन जल जाएगा और उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ऐसे इसका पूरा फ्लेवर आएगा। इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे दाल का कलर बहुत अच्छा आएगा। गैस को बंद कर देंगे और इसे दाल के ऊपर डालेंगे। हमने दाल में और पानी भी नहीं मिक्स किया, हमारी दाल बिल्कुल परफेक्ट बनी है। थोड़ा तड़का बचा लेंगे, जब सर्व करेंगे तो हम ऊपर डालेंगे। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब दाल चावल दोनों सर्व करते हैं। ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई और जीरा राइस हमारे तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है दोनों चीजें, इनके फ्लेवर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।